अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही का आलम। अब तक 4 लोगों की मौत, पेड़ और दीवारें गिरी, 14 लाख से अधिक लोगों की हुई शिफ्टिंग। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के पड़ोस में भी तबाही। मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पुणे की फरहा हुसैन शेख ने लगाई है याचिका, 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ मिली इजाजत। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की विमानन कंपनियों से अपील, उड़ानों के लिए रहें तैयार। लॉकडाउन में 25 मार्च से लगी हैं पाबंदियां। राजस्थान ने 35 लाख श्रमिकों को मनरेगा में काम देकर तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दी जानकारी। कोरोना लॉकडाउन के बीच मजदूरों को मिल रही रोजी रोटी। यूपी में ईद पर मस्जिद में नमाज की मांग हुई खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पहले सरकार के पास जाएं, सीधे कोर्ट में आने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन में 31 मई तक लगी है धार्मिक स्थलों पर जाने की पाबंदी। मुंबई के प्रवासी श्रमिकों का आरोप, रजिस्ट्रेशन और चेकअप के बावजूद मुलुक जाने से रोक रही पुलिस। औपचारिकता पूरी होने के बाद भी श्रमिक ट्रेनों में यात्रा की नहीं मिल रही परमिशन। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 2200 से ज्यादा केस, मरीजों की संख्या पहुंची 40,000 के पास। अब तक 1390 लोगों की मौत, लॉकडाउन के मकरजाल में उलझी सरकार। ठाणे मनपा क्षेत्र में 1353 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 54 लोगों की मौत, 427 मरीजों का कोविड हॉस्पिटल में इलाज जारी, 414 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। नवी मुंबई में 1364 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 43 नए मरीज और 6 लोगों की मौत। अब तक जान गंवाने वालों की संख्या हुई 45। कोपर खेरने में संक्रमण की भरमार। पनवेल में 305 हुए कोरोना के संक्रमित मरीज, 24 घंटे में सामने आए 16 नए मामले, अब तक 12 की मौत। मनपा आयुक्त गणेश देशमुख के तबादले के बाद प्रशासनिक कार्यक्रमों पर असर, दिसंबर तक बहाल रखने की मांग।